दोस्तों आज जो शिखर धवन की विकेट गई है, पता नहीं वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस विकेट के दौरान जो भी कुछ हुआ वो बहुत ही शानदार था। आपको बता दें कि उनादकट बॉलिंग एंड पर थे, बॉल जैसे उन्हें समझ आया कि ये पीछे की तरफ मारने की कोशिश करेंगे तो उन्होंने बॉल उनके अंदर ही डाल दी, और फिर क्या था, बैट का जो निचला हिस्सा होता है उससे लग कर बॉल सीधा संजू सैमसन के पास चले गई। अब ये कैच बिल्कुल भी आसान नहीं था, संजू को यहाँ पर एक बहुत बड़ी फ्लाइट लेनी थी, पूरी बॉडी स्ट्रेच करते हुए बॉल को गुपचना था, यानी कि अपने हाथों में लेना था। इसके बाद क्या था, उन्होंने मन ही मन कहा कि बॉल गुपच लो बाघा और कूद पड़े। आखिरकार बॉल उनके हाथ में आई गई, लेकिन इसके लिए हम देते हैं उनको 100 में से 100 नंबर, क्योंकि उनका जो एफर्ट था बॉल पकड़ने का साफ तौर पर देखा जा सकता था कि बहुत ही शानदार था। यहाँ पर बॉल उनके हाथ में आ ही नहीं रही थी, दूर दूर तक ऐसा लग रहा था कि ये चौका ही हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फुल लेंथ डाइव ली है, लगभग 3 फिट की ऊंचाई से वो कूदे हैं, और उसके बाद जो उन्होंने पूरी बॉडी को स्ट्रेच करके कैच किया है, बेहद ही शानदार। कहीं ना कहीं धोनी ने अगर ये मैच देखा होगा तो धोनी भी सोच ही रहे होंगे कि किस तरीके से इंडियन क्रिकेट का भविष्य तो उज्ज्वल है, खासतौर पर विकेट कीपिंग में। विकेट कीपर जितने भी हैं हाल फिलहाल टीम के अंदर, यानी जो भी खेल रहा है इंडियन विकेट कीपर, जो कि आप कप्तान के तौर पर ज़्यादातर विकेट कीपर खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें धोनी का बहुत बड़ा हाथ है। आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट करके अपनी राय बताएं। सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो।